पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर और कप्तान और जो बहुत फेमस अपने हैं बनते हैं अपने आप को, वो हैं शाहिद खान अफरीदी। उनका मैं एक बयान किसी मीडिया पे पढ़ रहा था, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, उन्होंने किसी चैनल पे बात की या कहीं पे बात की, तो मैंने वही पढ़ा जो मैं आपको सो बता रहा हूँ। उनका कहना ये है कि हमें हारिस रऊफ को सपोर्ट करना चाहिए और हारिस रऊफ को एक सपोर्ट की ज़रूरत है और उसको एक कंप्लीट एक्स क्रिकेटर्स या लेजेंड्स की गाइडेंस की ज़रूरत है, और हमें बिल्कुल ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी जो माजी की पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं या उसने जितनी अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए दिखाई और मैचेस जितवाए हैं वो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इस वक्त हारिस रऊफ बहुत अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं और वो हारिस रऊफ की बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच और बिल्कुल ही रिदम नहीं है उनकी। तो इस सूरत में हम इस टाइम पे ऐसा लग रहा है, कंक्लूजन ये कि शाहिद खान आफरीदी उनकी सपोर्ट में आए हैं और उनका कहना है कि हर किसी को उनको सपोर्ट करना चाहिए, बैक करना चाहिए और उसको गाइड करना चाहिए कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी साहब की बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि हाँ उनकी बात सही है, क्योंकि जब कोई भी खिलाड़ी लेट डाउन हुआ होता है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती है, उससे उसका रिदम नहीं उठ रहा होता है, कोई वजह होती है, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो डिप्रेस होता है, वो गुस्से में होता है, या कोई भी इश्यूज की वजह से सिचुएशन कुछ ना कुछ बन रही होती है और उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, तो उस सूरत में आपको उसका माजी नहीं भूलना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस टीम के लिए रही है। अगर उसका बैड टाइम है तो बैड टाइम में हर को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ तक मैं शाहिद खान अफरीदी की बात से सपोर्ट करता हूँ कि हाँ हारिस रऊफ का बैड टाइम चल रहा है, बैड पैच चल रहा है, उसको सपोर्ट करें, उसको जिस चीज़ जो भी एक्स क्रिकेटर्स हैं हमारे लेजेंड्स हैं उसको गाइड करें और उसको एक सही लाइन पे लाएं। अब इशू मेरा सिर्फ ये कहने का है कि शाहिद खान अफरीदी साहब ने इतनी बात तो ज़रूर कर दी, पर शाहिद खान अफरीदी पूरी बात क्यों नहीं करते? शाहिद खान अफरीदी को फिर ये भी तो बोलना चाहिए था कि अगर दूसरे एंड से तो कोई जवाब मिले ना, अगर एक एंड से अगर बोल रहे हैं कि यार उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए, तो क्या वो गाइडेंस एक्सेप्ट करेंगे जो एक्स क्रिकेटर्स दे रहे हैं, जो जो वसीम अकरम कह रहे हैं, जो हफीज़ कह रहे हैं, जो मिसबा कह रहे हैं, जो बहुत देर से वकार यूनुस कह रहे हैं, बहुत देर से वसीम अकरम कह रहे हैं, मैं दिसंबर से उनकी बातें सुनता रहा हूँ कि शाहीन आफरीदी हो जाए या हारिस रऊफ हो जाए, इन दोनों को लॉन्गर फॉर्मेट खेलना होगा। और हार अभी मैंने मेरी एक और वीडियो होगी, आपने माजी देखी होगी, पिछले हफ्ते मैंने बात की है कि वसीम अकरम हो जाए, मिसबाउल हक हो जाए या कोई भी हो जाए, इन सब ने बात की कि एक्स क्रिकेटर्स ने कि हारिस रऊफ को की जो परफॉर्मेंस की जो वर्स वजह यह है कि लॉन्गर फॉर्मेट वो बंदा नहीं खेल रहा है, टेस्ट मैच खेलने से वो भागता है, पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए पता नहीं कितना अरसा हो चुका है, खेली या नहीं खेली ये भी नहीं पता, मैंने तो आज तक उनको पाकिस्तान का डोमेस्टिक खेलते हुए तो नहीं देखा है, वक्त 4 रोज़ा मैच खास तौर पे। तो जब तक आप फास्ट बॉलर लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलेगा, लॉन्गर फॉर्मेट में बॉलिंग नहीं करेगा, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेगा, 4 रोज़ा डोमेस्टिक सीजन नहीं खेलेगा, उस फिर वो कैसे अपने आप को रिदम मिला सकता है, कैसे वो अपनी गलतियों अपनी खामियों को दूर कर सकता है? जब तक वो रेड बॉल क्रिकेट और लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलता, 4 रोज़ा मैच खेले डोमेस्टिक का, टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान की तरफ से, खुद ब खुद रिदम आएगा, खुद ब खुद उसको गलतियों का एहसास नज़र आने लगेगी कि ये कहाँ उससे गलतियाँ हो रही हैं, फिर बॉल सीम भी होगा, फिर बॉल लाइन पर भी पड़ेगी, लेंथ भी होगी, सब होगा, फिर वेरिएशन भी ऑटोमेटिकली आएगी। तो ये होती है इश्यूज। अब हारिस रऊफ खुद इस चीज को इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अरसे दराज से लोग कह रहे हैं कि भाई डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेलो, 4 रोज़ा मैच खेलो, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सीजन आता है उसमें खेलो, उसमें खेलो, आप परफॉर्मेंस खुद ब खुद आपकी निखार आता जाएगा, लेकिन उसको भी इग्नोर किया, नहीं मुझे फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना, नहीं नज़र आ रहा है उनकी अप्रोच नज़र आ रही कि उनको इंटरनेशनल लीग की कोई भी फ्रेंचाइज लीग खेलनी है। अरे भाई कब तक खेलते रहोगे? आज 4 रोज़ा मैच नहीं खेलोगे और सिर्फ 4 ओवर कराने वाला मैच खेलोगे, तो उसमें बहुत फर्क है। दिन में 10 से 15 20 ओवर 18 ओवर नहीं फेंकोगे तो आप फास्ट बॉलर कैसे बन सकते हो? कहाँ से आपकी रिदम आएगी? कहाँ से आपकी लाइन उठेगी? कहाँ से आप सही लेंथ पे बॉलिंग करा सकते हो? कहाँ आप सही बॉल जगह पे यॉर्क करा सकते हो? जो भी करा सकते हो, सीम भी, स्विंग भी, वेरिएशन सब मिलेगा। अनलेस आप दिन में रोजाना 10 15 ओवर कराओगे तो ना, ये आप समझते हो कि मैं सिर्फ 4 ओवर करा लूंगा और मैं बड़ा क्रिकेटर बन जाऊंगा, तो बहुत, तो फिर आप इसी तरह वर्स्ट सिचुएशन होती चली जाएगी। हारिस रऊफ भागे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलने के सीरीज से, वहां से भागे, फिर उनको सही एक अच्छा सेटिस्फैक्ट्री जवाब पीसीबी को नहीं दे सके, फिर
पनिशमेंट मिली, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी गया, उसके बाद जून 30 तक जो है वो एनओसी भी जारी नहीं होगा किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट का। अब यहां से उठने का एक ही हल है, आईपीएस पीएसएल खत्म हो, 4 रोजा मैच जाके खेले डोमेस्टिक में पाकिस्तान का, समझ में आएगी जब रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे, रिदम बरकरार होगी। और अगर नहीं होगी और अगर इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, ना ना इज्जत देंगे डोमेस्टिक को, ना इज्जत देंगे टेस्ट मैच को, तो फिर ना आपसे वनडे में बॉलिंग होगी और ना आपसे T20 में बॉलिंग होगी। पहले आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में खराब हुई क्योंकि आप टेस्ट मैच में आप डोमेस्टिक नहीं खेल लेते, उसके बाद टेस्ट मैच आपने एक खेला, फिर ड्रॉप, फिर नहीं खेला, फिर खेला, उसके बाद आपने वनडे में 10 ओवर आपसे नहीं कराए जा रहे, आप पूरा वर्ल्ड कप रन मशीन बने रहे, खिताब मिल गया आपको कि आप और शाहीन अफरीदी रन मशीन बने रहे, जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडिया की तरफ से बैट्समैन के तौर पर रन मशीन थे, आप बॉलर के तौर पर रन मशीन थे, किससे रन पर रन दिए जा रहे हैं। सेम हाल आपका, फिर आप भाग गए, टेस्ट मैच नहीं खेला आपने टेस्ट सीरीज, फिर आप बिग बैश लीग खेलने चले गए, वहाँ भी आपकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज हुई, वहाँ आपकी पैथेटिक परफॉर्मेंस रही, फिर आप अभी जो PSL चल रहा है इसमें भी आपकी परफॉर्मेंस पैथेटिक है। शाहिद खान आफरीदी को चाहिए कि वो खुद हारिस से बात करें और उनको समझाएं कि यार सब आपको सपोर्ट करेंगे, अनलेस आप दूसरों की सपोर्ट, आपकी गाइडेंस, मशवरे, एडवाइस ले और उसको फिर फॉलो भी करें। सब बोल रहे हैं भाई लॉन्गर फॉर्मेट खेलो, नहीं खेलना ही नहीं है, तो जब तक आप लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलोगे, डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दोगे, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप ये समझ रहे हो कि यार मैं फला प्रोग्राम जो लाहौर कलंदर ने शुरू किया था मैं वहां से आ गया और मैं डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा, मैं डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दूंगा, तो कोई भी खिलाड़ी बड़ा नहीं बना जब तक उसने डोमेस्टिक नहीं खेली। तो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, तो इसकी वजह यह है कि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और आप जो पॉलिसी है PCB की उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो शाहिद खान आफरीदी साहब को चाहिए कि ये शाहिद हारिस को समझाएं कि जनाब खिलाड़ी बड़ा नहीं होता, मुल्क इम्पॉर्टेंट होता है, खिलाड़ी मुल्क से बनता है, खिलाड़ी टीम से बनता है, खिलाड़ी डोमेस्टिक लोगों से बनता है, डोमेस्टिक क्रिकेट से बनता है, खिलाड़ी फैन से बनता है। तो यहाँ बहुत बड़ी इशू है, हारिस रऊफ को अपना एटीट्यूड बदलना होगा, अपनी अप्रोच बदलनी होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी 4 रोजा वाली और साथ में टेस्ट मैच खेलना होगा तो परफॉर्मेंस सही होगी। तो शाहिद खान आफरीदी साहब जहाँ इतनी बातें की हैं, बहुत सही बातें की हैं, इसमें थोड़ा सा एडिशन ये भी कर लेते कि हारिस को भी जो एक्स क्रिकेटर्स की गाइडेंस अगर चाहिए तो एडवाइसेस भी पूरी ले और जो गाइड कर रहा है उस गाइड उसकी जो बातें हैं उसको पूरा फॉलो भी करे तो ही वो कंप्लीट होगी। तो हारिस रऊफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी भी दुआ उनके साथ है, हमारा भी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन हमसे उस बात पे दुखी होते हैं कि जब हम खुद देखते हैं कि हारिस रऊफ से वनडे में 10 ओवर नहीं फेंके जा रहे और हारिस रऊफ टेस्ट मैच क्रिकेट से भाग रहे हैं और सिर्फ इंटरनेशनल फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने के लिए हर वक्त अपने आप को दस्तियाब रखते हैं, तो फिर उनकी कारकर्दगी फिर आहिस्ता आहिस्ता खराब होती चली गई और वो अब सबको दिख रही है और बुरी तरीके से एक्सपोज हो रही है कारकर्दगी, पहले टेस्ट मैच में खराब हुई, फिर वनडे में खराब हुई और अब T20 में भी खराब हो रही है और अब तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी खराब हो रही है। बाकी अब आगने वाला वक्त बताएगा। शाहिद खान आफरीदी हूँ ये एक्स क्रिकेटर्सों को बार बार एडवाइसेस दे रहे हैं, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई टीवी चैनल पर बोल रहा है, कोई मुझे नहीं पता कि कौन उनसे मिल के कितनी अच्छी अच्छी एडवाइसेस देता होगा, डेफिनेटली लोग देते ज़रूर होंगे, अब वो अमल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमें भी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द हारिस रऊफ को वापस अपनी परफॉर्मेंस पे देखें और शाहिद खान आफरीदी साहब को भी एडवाइसेस पर अमल करें जो हारिस रऊफ साहब जो शाहिद खान आफरीदी ने दिए। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।